भाजपा क्षेत्र का रहने वाला एक पीड़ित अपने भतीजे को न्याय दिलाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचा। यहां उसने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र लेकर चक्कर लगा रहा यही वह व्यक्ति है जो कि अपने भतीजे को न्याय दिलाने के लिए यहां पुलिस अधीक्षक दरबार पहुंचा है। मामला ग्राम सिमरी थाना बिछवा से जुड़ा है। पीड़ित के चाचा ने यहाँ पुलिस अधीक्षक को एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें बताया है कि पीड़ित की पत्नी 14 जुलाई के दिन शाम के समय गांव के रहने वाले अनिल कुमार पुत्र विजय सिंह विजयन पुत्र छोटे सिंह को साथ लेकर अपने पुत्र युवराज को तलाशने गई तो पता चला कि उसका पुत्र राकेश की दुकान पर बैठा मोबाइल देख रहा है। पीड़ित की पत्नी मौके पर पहुंची तो ग्राम नन्नी खेड़ा निवासी प्रताप पुत्र अवधेश सिंह अजय पुत्र गोपाल सिंह सुरेंद्र मोहन पुत्र राम नरेश गाली गलौज करते हुए उसके पुत्र के साथ लाठी डंडों से मारपीट कर रहे थे जिसका पूरा सीसीटीवी फुटेज भी पीड़ित के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वही सीसीटीवी फुटेज है जो कि सीसीटीवी कैमरे से निकलवाया गया है जिसमें आसानी से दिखाई दे रहा है किस तरीके से युवक के साथ मारपीट की जा रही है। जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पीड़ित का चाचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है और क्या कुछ बताया है यह जरा आप ही सुनिए। क्या मामला है एसपी साहब से शिकायत करने? मामला ये है कि जो झूठी रिपोर्ट है होते होते ऐसा कुछ बात दिया था। आपका कौन लगता है युवक किसके साथ? हमारा नाती लगता है। क्या नाम है? युवराज सिंह सलाफ सतह। क्या हुआ इनके साथ? ना हुई इनके साथ दुकान पर बैठा था तब तो अपने परिवार में बैठा था तो इन्हीं खेड़े का लड़का आया तो इन्हीं खेड़े के लड़के आए पूरा हंजूम बना के उसको मारपीट करने लगे। तखन तो बैठा मोबाइल देख रहा था अपने और मोबाइल मारपीट करके अपने गांव चले गए और गांव से आके थाने पहुंचे अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए। आपने थाने में शिकायत की थी? शिकायत थी क्या हुआ? भाई बहू जो है वो घूम रही थी थाने के चक्कर काट रही थी ऐसी रिपोर्ट नहीं दिख रही। अच्छा एक सीसीटीवी में मारपीट का वीडियो भी उसमें दिख रहा है तो भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई? एसपी साहब से मिले आप? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया अभी दिया रिपोर्ट लिखी और आईसीआर नंबर दे दिया।